मोहन भी डेली स्कूल जाता था और सोहन भी डेली स्कूल जाता था। क्या वो कोई अलग से मोहन कोचिंग करता था? क्या अलग से कोई ट्यूशन लेता था? हाँ, मोहन अलग से कोचिंग भी लेता था, अलग से ट्यूशन भी लेता था। क्या सोहन भी अलग से कोचिंग लेता था? जी हाँ, सोहन भी अलग से कोचिंग और ट्यूशन दोनों लेता था। मोहन जो है, क्या पूरी एनसीईआरटी सॉल्व किया था? पूरे एनसीईआरटी प्रश्न को सॉल्व कर लिया था? जी हाँ, मोहन ने भी पूरे एनसीईआरटी को सॉल्व किया था। क्या सोहन ने भी पूरी एनसीईआरटी सॉल्व किया था? हाँ, सोहन ने भी पूरी एनसीईआरटी को सॉल्व कर लिया था। ठीक, मोहन ने भी पूरी एनसीईआरटी सॉल्व कर लिया, सोहन ने भी पूरी एनसीईआरटी क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। क्या मोहन जो है टेस्ट में भाग लेता था? मोहन सभी टेस्ट देता था, सभी टेस्ट में भाग लेता था। क्या सोहन सभी टेस्ट में भाग लेता था या सोहन सभी टेस्ट देता था? हाँ, सोहन भी सभी टेस्ट देता था और सोहन भी सभी टेस्ट में भाग लेता था। क्या मोहन को जो है हाई स्कूल के एग्जाम का प्रेशर था? क्या मोहन स्ट्रेस लेता था? क्या मोहन के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर रहता था? हाँ, बिल्कुल, मोहन के ऊपर हाई स्कूल के एग्जाम का प्रेशर रहता था। क्या सोहन के पास भी ऐसा कुछ होता था? जी बिल्कुल, सोहन भी स्ट्रेस लेता था, सोहन के ऊपर भी हाई स्कूल के एग्जाम का प्रेशर था। तो जब इन दोनों का रिजल्ट आया, तो इन दोनों का रिजल्ट आने के बाद मोहन का रिजल्ट आया आपका जो है 75% और सोहन का रिजल्ट आया 98%। तो इन दोनों के रिजल्ट में इतना अंतर क्यों आ गया? इन दोनों के रिजल्ट में इतना अंतर क्यों आ गया? जो कि जो जो नियम जो चीज मोहन करता था वही चीज सोहन करता था, तो मोहन और सोहन के रिजल्ट में इतना अंतर क्यों आया? हम उसी छोटी सी टॉपिक यानी उसी छोटी सी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए, कैसे मोहन का परसेंट इतना कम आया और सोहन का इतना परसेंट क्यों आया? तो आइए हम बात करते हैं कि आखिर मोहन का इतना नंबर क्यों कम आया और सोहन का इतना नंबर क्यों ज्यादा आया था। मोहन क्या करता था और सोहन क्या करता था, उनमें क्या अंतर रह गए थे, आइए हम उनको समझते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो प्यारे बच्चों, आप भी ऐसा करना स्टार्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले जो टॉपिक आती है वो आती है कि सबसे पहले एकांत में पढ़ाई की जगह तैयार कर लो। प्यारे बच्चों, आप जहां भी स्टडी कर रहे होंगे, घर पे स्टडी कर रहे होंगे, कहीं भी पढ़ रहे होंगे, कहीं पर रूम लेकर पढ़ रहे होंगे प्यारे बच्चों, तो आप वहां पर हमेशा ये प्रयास करो कि आप जब पढ़ने बैठो तो वहां पर कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो। आप हमेशा एकांत एकांत जगह की पढ़ने की तैयारी करो, यानी ऐसे प्लेस पे पढ़ना स्टार्ट करो जहां पर कोई भी आपको परेशान करने वाला ना हो प्यारे बच्चों। तो सबसे पहली टॉपिक ये होती है कि आप उस प्लेस को तैयार करिए जहां पर आपको एकांत हो, कोई आपको बोलने वाला ना हो, कोई आपको परेशान करने वाला ना हो प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान दीजिएगा। दूसरी टॉपिक आती है कि पढ़ाई की सही समय तैयार करो। जो पढ़ने का टाइमिंग है, जो पढ़ने का समय है प्यारे बच्चों, वो आप जो है सही तैयार करो। अब ये नहीं है कि आप दिन भर थके हारे पहुंचे जो है घर पर पढ़ने बैठे और शाम को 7 बजे पढ़ने बैठ गए, वहीं आपके दादा, वहीं पापा, वहीं आपकी मम्मी, वहीं आपके चाचा चाची सब लोग आपको केवल डिस्टर्ब करेंगे प्यारे बच्चों। तो आप पढ़ने का जो टाइमिंग है, वो पढ़ने का जो समय है ना, वो अगर अच्छा चुन पा रहे हैं तो आपका जो है परसेंटेज जो है, जो आपका परसेंट है वो कहीं लाख गुना बेहतर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब आप कहेंगे सर टाइमिंग क्या होनी चाहिए, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं कि अगर आप जो है शाम को जल्दी सो पा रहे हैं तो किसी कैसे भी करके शाम को जल्दी से सो जाइए और सुबह मॉर्निंग के टाइम 2 बजे से उठकर, 2 बजे 1 बजे उठकर जो है अपनी पढ़ाई जो कर सकते हैं। वो 4 घंटे की पढ़ी हुई चीजें इधर 8 घंटे की क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, क्योंकि वहां पर आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं रहता और आपका जो दिमाग होता है वो बिल्कुल फ्रेश होता है प्यारे बच्चों। किसी भी प्रकार की दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं होता। तो आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे मान्य रखता है कि आप किस टाइमिंग पे पढ़ाई कर रहे हैं। थर्ड टॉपिक आती है पढ़ाई का टाइम टेबल बनाएं। अब यह नहीं होता कि आपको जब इच्छा आए तब पढ़ने लगिए, आपका जब मन करे तब पढ़ने लगी, बिल्कुल पढ़िए, ऐसा नहीं कर रहा हूं कि जब इच्छा करे तो मत पढ़िए, परंतु उसके पढ़ने का भी कोई टाइम टेबल होता है प्यारे बच्चों। आप उस टाइम उसे समय सारणी बनाइए, उस समय सारणी के अनुसार आप कहीं पर भी हो, किसी भी हालात में हो, आप उस टाइम टेबल पे ध्यान देना कि आज हमको इस टाइम पे ये चीजें पढ़ना है प्यारे बच्चों। तो आपको पढ़ना है चाहे जैसे करके पढ़ना है, इस बात को ध्यान देना। तो मान्य रखता है टाइम टेबल,
तो आप आज से अगर टाइम टेबल नहीं बनाए होंगे तो आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार टाइम टेबल जरूर बना लीजिएगा प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर की टॉपिक्स की। जो टॉपिक्स है आपकी, जो टॉपिक्स तैयार कर रहे हैं, जैसे आपने ओम का नियम तैयार किया, प्रतिरोधों का संयोजन तैयार किया, फिर उसके बाद विद्युत मोटर तैयार किया, विद्युत जनित तैयार किए प्यारे बच्चों, तो इन टॉपिक्स को छोटे छोटे टॉपिक्स में बात दे दिए। जैसे कि आज हम अगर आज आप जितने प्यारे बच्चों ने अगर आज ये वीडियो देखेंगे तो वो ये टॉपिक्स बांटेंगे कि हम फर्स्ट चैप्टर में ये टॉपिक आज कंप्लीट कर लेंगे, इस टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान देना। यानी जो टॉपिक्स होती है वो आपकी टॉपिक जो होती है छोटे छोटे टॉपिक में बटनी चाहिए, और आज हमको ये टॉपिक क्लियर करना है किसी भी कीमत पे क्लियर करना, और ऐसे क्लियर करना है कि अब एग्जाम तक जो है आपको जो पूर्ण रूप से ये क्लियर रहे प्यारे बच्चों। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार रिविजन करना पड़ेगा, जब कोई सर पूछे, जब कोई टीचर पूछे, अरे सर जी हम दोहराए नहीं है तो कैसे बता दे। अब ऐसी कहीं मौका मत दीजिए अपने आप को, क्योंकि आपसे लाख गुना बेहतर अन्य बच्चे तैयारी कर सकते हैं प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान देना। अगली टॉपिक आती है जिस विषय की तैयारी कम हो उसे ज्यादा पढ़ो। अब अगर आपको लगता है कि हमारी जो है हिस्ट्री कम तैयार है, हमारी हिंदी कम तैयार है, तो आप उन विषयों को आप ज्यादा समय दीजिए, आप ज्यादा पढ़ने का प्रयास कीजिए। क्योंकि प्यारे बच्चों जो सब्जेक्ट आपका काफी कम होगा, जो सब्जेक्ट की तैयारी काफी कम होगी, तो उसमें अगर नंबर आपके कम आ जाएंगे तो उसका सुधार आप कहां कर पाओगे प्यारे बच्चों। तो इस बात को ध्यान देना कि जब आप टाइम टेबल बनाइएगा तो टाइम टेबल में जो पांचवी टॉपिक है वो क्या करा कि जिस विषय की तैयारी कम हो यारो उस विषय की जम के तैयारी कर लो, इस बात को ध्यान देना। अगली जो छठवीं टॉपिक है वो मोस्ट क्या है, वो कह रहा है लगातार 40 मिनट पढ़ने के बाद आप 10 मिनट का आराम जरूर ले लिया करो प्यारे बच्चों। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि लगातार 40 मिनट पढ़ने के बाद आप एक ब्रेक जरूर लिया करो, कम से कम 10 मिनट का ब्रेक लेना आवश्यक होता है। क्योंकि प्यारे बच्चों साइंस ये मानता है कि जो मानव का जो दिमाग होता है वो 40 मिनट 50 मिनट कार्य करने के बाद उसका जो दिमाग का जो दिमाग होता है वो एक प्रकार से लचीला हो जाता है, एक प्रकार से थकापन महसूस करने लगता है प्यारे बच्चों। यानी हम दूसरे शब्दों में कहें कि आपका जो मस्तिष्क है वो 40 मिनट पढ़ने के बाद 50 मिनट पढ़ने के बाद वो दिमाग कहीं दूसरे टॉपिक पे भटकने लगता है, वो दिमाग कहीं और जाने लगता है, कहीं आप कहीं सोचने लगते हैं। तो इन सबको निपटाने के लिए, इन सबको दूर करने के लिए प्यारे बच्चों मैं कह रहा हूं भाई 40 मिनट पढ़ने के बाद 10 मिनट जो आपकी इच्छा है गाना सुनने का, पढ़ने का, खेलने का, तो ऐसा खेल करिए जो 10 मिनट में समाप्त हो जाए, कुछ भी इच्छा है आप वो करो। फिर 10 मिनट के बाद याद रखना कि हमको पढ़ना है प्यारे बच्चों। अगर आप जो है जो ये 6 टॉपिक बताए गए हैं, इन टॉपिक्स अगर आप अपनी पढ़ाई करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि सोहन के जैसा आपका भी परसेंटेज आएगा। यदि आप इन टॉपिक्स के अनुसार नहीं पढ़ रहे होंगे तो आपका भी रिजल्ट जो है वही मोहन के जैसा होने वाला है प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आपको आज की जो वीडियो है जरूर कुछ ना कुछ समझा के गया होगा, और उम्मीद करते होंगे कि वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और प्यारे बच्चों यूपी बोर्ड वाले अपनी तैयारी करना मत छोड़िएगा।